How to recover your delete photo and data. Any video music properly recovery solution. आपका 10 या 15 सालों से कोई भी फोटो डिलीट हो गया हो और आपको वापस नहीं मिल रहा हो, तो ये प्रोसेस करने से आपका वीडियो फोटो और डेटा कोई भी हो वो वापस आपको पूरा देखिए और जानिए कि कैसे हम अपने डिलीट हुए डेटा को वापस ला सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने से आपका काम बन जाता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कोई वीडियो या फोटो या कोई भी डेटा फाइल डिलीट हुआ हो तो वापस आ सकता है। मिनिमम 10 से 15 बार आपका मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क से डिलीट हुआ डेटा वापस आ जाता है। कम से कम 10 से 15 साल पुराना वीडियो भी आप वापस ला सकते हो। इस कैसे लाते हैं ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए, एक भी प्रोसेस मिस मत कीजिएगा। प्रॉपरली सॉल्यूशन है इस वीडियो में। और सभी भाइयों को ये कहना है कि किसी का भी डेटा हम रिकवर करके देते हैं तो हमको कस्टमर अच्छा पैसा देते हैं, तो कैसे रिकवर करना है ये जान लीजिए और कस्टमर को उनका डेटा रिकवर करके दे दीजिए, तो पैसा भी मिलेगा अच्छा और अपना काम भी हो जाएगा और आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और जान लीजिए कि कैसे रिकवर होता है। सबसे पहले हमें गूगल सर्च बार में जाके HBCD लिखना है। HBCD 15.2 हमें इसको डाउनलोड करना है। पहला ही है हिरन बूट 15.2 CD। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपके फ़ोटो फाइल रिकवर की पूरी जानकारी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। यहाँ से फाइल को डाउनलोड करके हिरनबोट CD 15.2 zip फाइल यहाँ से हमें क्लिक करके डाउनलोड करना है। हमारा zip फाइल डाउनलोड हो गया है, इसे हम अभी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट किया, चलो अब हम हमारा मेमोरी कार्ड लगा दिया है इस लैपटॉप में और हम देखते हैं कि कैसे हम इससे फ़ोटो या डिलीट हुआ कोई भी डेटा वापस कैसे लाते हैं। अभी मेरा SD कार्ड 7 GB से ऊपर भरा हुआ है। चलो इसे हम फॉर्मेट कर देते हैं पहले, तभी आपको विश्वास आएगा कि हाँ रियल में इसमें बैकअप आता है।
ये देखो हमारा कार्ड अभी फॉर्मेट हो चुका है। अब हमें अपने सी ड्राइव में जाके देखना है कि हिरनबुट सीडी का फोल्डर कहाँ पे है। जहाँ पर भी हिरनबुट सीडी का फोल्डर हो, देखो ये मिल गया माय बूट सीडी, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। फिर से सीडी पे क्लिक करना है और एचपी सीडी पे क्लिक करना है, और एचपी सीडी मेनू है उस पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया जहाँ से हमको बैकअप रिकवर लेना है। मेनू में आके हमें रिकवरी ऑप्शन चुनना है और रिकवरी में जाके रिकवर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब रिकवरी वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो नया एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है। अभी देखो यहाँ पे है पिक्चर्स चाहिए आपको या म्यूज़िक चाहिए या आपके डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपके वीडियो या कंप्रेस्ड फाइल या ईमेल या आउटर्स, कुछ भी आपको रिकवर लेना हो तो यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि मेरा बैकअप कहाँ पे है कौन सा है, तो आउटर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं तो आपका सारा डेटा आएगा, जैसे कि ईमेल, फ़ोटो, म्यूज़िक, वीडियो। ओके, मुझे सिर्फ पिक्चर लेना है इसलिए मैंने सिर्फ पिक्चर पे क्लिक किया। अभी ये पूछ रहा है कि प्रॉपरली आपका फाइल कौन सा है, तो आप आई एम नॉट श्योर पे क्लिक कीजिए। अगर आपको पता है कि यहाँ से ही है तो आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन हमें तो पता है कि हमारा मेमोरी कार्ड से हमें बैकअप लेना है, हम यहाँ पे मेमोरी कार्ड सिलेक्ट करेंगे जो हमारा स्टोरेज है, ये लास्ट वाला जो है, यहाँ पे ओके करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये टिक मार्क करना जरूरी है ताकि आपका डीप से डीप जो कुछ भी डिलीट हुआ हो, लास्ट 15 या 20 बार आपका जो डिलीट फॉर्मेट या कुछ भी हुआ हो वो सारा बैकअप आ जाता है इसमें। अभी ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, अभी 0% हुआ है। चलिए ये वीडियो को पूरा देखते हैं और आपको भी पता चले कि कैसे मैंने इसमें मेरा मेमोरी कार्ड का बैकअप पूरी तरह प्रॉपरली लिया है। दोस्तों अब ये हमारा 96% हो गया था, अब 100% पूरा हो गया है। देखिए ये मेरा सारा बैकअप आ गया है। अगर पर्टिकुलरली कोई एक पिक चाहिए तो सिर्फ एक पिक के आगे क्लिक करके आप ओके कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। अगर सारे फ़ोटो चाहिए तो आपको सारे फ़ोटो पर क्लिक करना होगा या कंट्रोल ए दबा के।
अगर आपको 5 से 10 फोटो ही चाहिए तो आप पर्टिकुलरली क्लिक करके भी रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे ओके फ्रेम फाइल नेम लिखा है, अगर उस पर आप क्लिक करोगे ओके पहले पे ही, तो सारे के सारे फोटो एक साथ क्लिक हो जाएंगे और आपको यहाँ पे बोलेगा कि कहाँ पे आपको फोटो आपके सेव करवाना है। तो आप एक न्यू फोल्डर भी बना सकते हो या फिर आपने कुछ फोल्डर बनाया हो तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हो। फॉर्मेट हुआ हो या डिलीट हुआ हो, सारे के सारे फोटो हमारे आ गए हैं। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का आपका इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट कभी भी डिलीट हो गया हो और आप बहुत परेशान हो रहे हो कि नहीं मिल रहा है, कहाँ से लाऊँ, वो तो उस पेन ड्राइव में था, ये लैपटॉप में था या हार्ड डिस्क में था, नहीं मिल रहा है, इस तरह हम पूरा का पूरा बैकअप ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बैकअप बड़ा है तो सिर्फ आपको अटैच करना है बड़ा हार्ड डिस्क या कुछ भी, तो बैकअप आपका सारा का सारा आ ही जाता है। चलो अब हम इन्हें ओपन करके देखते हैं प्रॉपरली ये फोटो आया है या नहीं आया है। देखो दोस्तों सारे फोटो आ गए हैं। मैं अपना वीडियो थोड़ा ब्लाइंड कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल फोटो है इसलिए सर।
मेरे इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके किसी भी फ्रेंड को ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।